अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। IPL में सट्टा लगाने वालों के खिलाफ मेरठ में चलाए गए अभियान के तहत 2 स्थानों से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे पहले भी मेरठ पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ पुलिस ने आज सदर बाजार स्थित लाभ महल व बच्चा पार्क स्थित स्टार प्लाजा पर एक साथ छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए सट्टेबाजों में मेरठ तहसील का एक बाबू ईशांत सिंह भी शामिल है। इसके अलावा आज गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में सुशील गुप्ता पुत्र कृष्ण गुप्ता निवासी शास्त्री नगर मेरठ, जयदीप सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अमरोहा, सौरभ भटनागर पुत्र सुनील भटनागर निवासी मोहल्ला होलियान थाना नेहटौर बिजनौर, गौरव राठौर पुत्र नरेश कुमार निवासी नई तहसील मेरठ, सहर्ष गुलाठी पुत्र जगदीश गुलाठी निवासी शर्मा नगर मेरठ, वासिफ शरीफ पुत्र सफी उल इस्लाम निवासी बाजार पैरामल मेरठ, सादिक पुत्र सफी उल इस्लाम निवासी बाजार पैरामल मेरठ, अहद शाम हसन पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी शकूर नगर मेरठ, शादाब पुत्र इरशाद निवासी बाजार पैरामल मेरठ शामिल हैं। इस बारे में ASP इरज राजा ने यह जानकारी दी। ये जब से IPL स्टार्ट हुआ है तब से सटोरिए कुछ एक्टिव हुए हैं कई क्षेत्र में, तो उसी क्रम में हम लोग लगातार उन पर नज़र रखे हुए थे। तो कुछ सूचना के आधार पर जब रेड मारी गई तो कल 2 जगह पर जो मैच चल रहा था मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, तो उसी में 2 स्थानों पर जब रेड मारी गई, होटल लाभ महल सद थाना सदर बाजार और स्टार प्लाजा जो कि थाना लालकुर्ती के अंतर्गत आता है, दोनों जगह जब रेड मारी गई तो दोनों जगह में से कुल मिला के लगभग हमें 10 अभियुक्त मिले जो कि वहाँ पर लाइव सट्टा खिला रहे थे। लोग उनसे डायरेक्ट डील कर रहे थे, उनसे फ़ोन पर लाइन चल रही थी और कमेंट्री वगैरह सब उसमें हो रहा था, तो उनसे ये सब चीज़ें मिली। इसके अलावा उनसे भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। दोनों जगह से कुल मिला के हमें 1,40,000 से ज़्यादा रुपया बरामद हुआ है। इसके अलावा 17 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और काफ़ी जो बुक्स वगैरह होती हैं इनकी, जहाँ पर ये लिखते हैं डिटेल्स कोड वर्ड्स में जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने सट्टे को लिखने के लिए, तो वो सब भी बरामद हुआ है। इसमें और जो लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि कौन लोग सट्टा खेलते हैं, कौन लोग बड़ा सट्टा खेलने वाले हैं, इनसे पूछताछ में कुछ लोग के बारे में पता चला है, तो उन पर हम निगरानी बढ़ा रहे हैं और बहुत ही जल्दी उनकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।